नमस्कार, स्वागत आपका सीरियल न्यूज में। आईपीएल 2018 के अंदर क्रिस गेल और युवराज सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जी हां, इस बार सभी टीमों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे वो योयो टेस्ट कंप्लीट कर ही सिलेक्ट किए जाएंगे। जितनी भी टीमें हैं योयो टेस्ट कंप्लीट कर अपने खिलाड़ी सिलेक्ट करने वाली है। योयो टेस्ट अर्थात फिटनेस की जो है पूरी टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि क्रिस गेल तो अब पिच के बीच में भी नहीं दौड़ सकते। जब ज़्यादा रनों की जरूरत होती है तो अक्सर क्रिस गेल को रनर मंगवाना पड़ता है। उनके पाँव में काफ़ी लंबे अरसे से प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण वो क्रीज पर भी नहीं दौड़ सकते, तो योयो टेस्ट देने में उनके काफी बड़ी तकलीफ आ सकती है। जहां तक युवराज का मामला है, शायद युवराज योयो टेस्ट कंप्लीट कर पाए क्योंकि पीछे ही उन्होंने योयो टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। हालांकि उन्हें योयो टेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोगों का यही अनुमान लगाया जा रहा है कि योयो टेस्ट कंप्लीट अगर नहीं हो पाया तो क्रिस गेल 100% तक आईपीएल में आपको नज़र नहीं आने वाले, जो कि सिक्सर किंग भी माने जाते हैं। आईपीएल के धुआंधार बैट्समैन क्रिस गेल इस बार शायद आपको आईपीएल में नज़र ना आए। अगर योयो टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए क्रिस गेल तो आपको आईपीएल में नज़र नहीं आएंगे। बने रहे सीरियल न्यूज के साथ। धन्यवाद।